जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन है और क्रिकेट फैन से भी बहुत बड़े फैन विराट कोहली के फैन है। ये चेक करें जरा, इन इमोशनल हो गए हैं इंडिया की हार की वजह से। क्या कहना चाहेंगे भाई? हेलो भाई, हौसला करो यार, कुछ नहीं होता भाई, बात सुनो। क्या बोलूं यार, अल्लाह का शुक्र आप सुनाए। मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद वैस। क्या करते हो? कुछ नहीं, फ्री हो अभी। अच्छा, जबरदस्त हो गया यार। क्या कहेंगे आज फाइनल पे आके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट कर दिया। फाइनली फाइनली सारी टीमों की यही दुआ थी कि भाई इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया को बीट करो बीट करो। क्या हो गया फाइनल पे आके? ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी मुकाबले हमने देखे हैं, फ्यूचर में भी पास्ट में भी, तो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं नजर आता हमें यार। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? कितनी एफर्ट की इंडिया ने फाइनल तक आने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में आके इंडिया मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पिछले 10 के 10 मैच इंडिया जीता है और बहुत अच्छे तरीके से जीता है। बैटिंग बॉलिंग में हर चीज़ में अच्छा जीता है। देखिए, कोई ना कोई अगर मैच हार जाता है उसमें कोई रीज़न नहीं। अगर आगे देखें सभी फाइनल के अंदर वो सॉरी जीता और फाइनल के अंदर हार गए, इससे में हमें दुख तो है। हमारी कोशिश यही थी, हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि जो वर्ल्ड कप है वो एशिया के अंदर ही रहे। हाय दोस्तों, नमस्कार, फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। इतनी स्ट्रांग टीम, टीम इंडिया, एक से एक बैट्समैन, एक से एक बॉलर, फिर भी आज कौन सी चूक हुई, आज ऐसी कौन सी कमी हुई कि एक भी मैच न हारने वाली टीम इंडिया आज फाइनल हार गई। जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन है और क्रिकेट फैन से भी बहुत बड़े फैन विराट कोहली के फैन है। ये चेक करें जरा, इन इमोशनल हो गए हैं इंडिया की हार की वजह से। क्या कहना चाहेंगे भाई? हेलो भाई, हौसला करो यार, कुछ नहीं होता भाई, बात सुनो। क्या बोलूं यार, एक तो इन्होंने अरिजीत सिंह से परफॉर्म नहीं कराया। मैं बकवास करता रहा, मैं चीखता रहा कि अरिजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट करा दो फाइनल में, करा दो करा दो करा देते तो शायद कोहली चल जाता। तो अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन है और कोहली तो फैन है ही है। अनुष्का शर्मा भी तो अरिजीत सिंह की फैन है, उनसे परफॉर्म नहीं करवाया, वो तो बात हो गई ना साइड पे। अब जब इतना बड़ा फाइनल हो रहा है, इतने बड़े बड़े तुम्हारे प्लेयर्स हैं, मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा शिकवा ये कि हमारा माइंड क्यों इस बात पे फाइनल कर दिया कि इंडिया ही फाइनल जीते। क्यों 10 के 10 मैचेस जीते, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी, इंडिविजुअली हर प्लेयर ने अपना अपना रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया, मोहम्मद शमी ने इतने ज़्यादा क्राइसिस से निकल के ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि हम समझ रहे थे ये लोग रोबोट्स हैं, इनको कोई बैकएंड से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस कोई कैसे देता है? और फिर आके अचानक फाइनल में, एक तो तुम लोगों ने बॉलिंग पिच रख दी, चलो तुमने इस स्टेशन में आके रख दी होगी कि हमारे बैट्समैन बहुत बड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैंने भी यही सोचा कि यार मैटर नहीं, बड़े बैट्समैन तो हैं भाई, फाइनल तक आने का मतलब। मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैटर नहीं करता यार, अगर पिच बॉलिंग पिच है तो कोई बात नहीं, कोहली कर लेगा, कोहली नहीं करेगा गिल कर लेगा, गिल नहीं करेगा राहुल कर लेगा, हिटमैन कर लेगा। मेरी भी यही, सबकी यही थी यार। ओ सर 240, मतलब ये मुझे लगता है नेदरलैंड्स की बद्दुआ लगी है जो इन्होंने अपने बॉलर, अपने बैट्समैन से बॉलिंग कराई, नेदरलैंड्स का इतना डिसार्ट किया, उनको इतनी बुरी शिकस्त दी थी, उनकी लग गई है बद्दुआ। ये नहीं करना चाहिए बद्दुआ की बात, मैं तो कहूंगा कि क्रिकेट है भाई, जो बहुत अच्छा खेलता है, जो बहुत अच्छा खेलता है। क्रिकेट इज नॉट ओनली अ क्रिकेट, क्रिकेट इज इमोशन। तो अब मैं इस वक्त इमोशनल हूँ, अगर आप मुझसे ये कहोगे ना कि आप फैक्ट्स पे बात करें, आप ये बात करें, मैं मुझसे नहीं होती, मेरा इंटरव्यू नहीं करो आप, हटा लो माइक। क्यों आ रहे हमारा माइंड क्यों बनाया है कि हम जीतेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए कि यहाँ पे मांगी आंख 400 का टारगेट सेट करेगी इंडिया, या तो फिर पहले इतना अच्छा नहीं खेलना था। बिल्कुल सही बात है। पर्सनली मुझे खुद बहुत ज्यादा इस टाइम मैं डिसऑर्ड हुआ हूं ये देखने के बाद। जब आप बिल्डर ना होते मैंने आप पे अल्लाह बोल देना, मुझे डर है कि आप मुझे उल्टा मारोगे, नहीं तो मैं अल्लाह का शुक्र आप सुनाए। मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद वैस। क्या करते हो? कुछ नहीं, फ्री हो अभी। अच्छा, जबरदस्त हो गया यार। क्या कहेंगे आज फाइनल पे आके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट कर दिया। फाइनली सारी टीमों की यही दुआ थी कि भाई इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया को बीट करो बीट करो। क्या हो गया फाइनल पे आके? ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी मुकाबले हमने देखे हैं, फ्यूचर में भी पास्ट में भी, तो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं नजर आता हमें, क्या वजूहत बनी? ये इंडिया के ना मेकर कुछ बैड लक चल रही है, कितने भी अब तक मैच हुए जो इनका रिकॉर्ड हम देखे तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से विन किया है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही चला है कि हमें भी बड़ी उम्मीद थी, जैसे 9 के 10 मैच जीता इंडिया तो हमें उम्मीद थी कि इंडिया अपना ये फाइनल मैच भी जीतेगा और कप अपने मुल्क से जारी देगा। ठीक है, अभी ये कि यानी कोई बैट्समैन नहीं चला इनका, बॉलिंग कुछ बेहतर हुई इनकी, गोली ने मारी जी जी बिल्कुल, एक दो ने मारी है 50 सॉरी, अगर गोली की मुझे उम्मीद थी आज सेंचुरी करेगा तो ऐसा रिकॉर्ड बजेगा कि जो टूटेगा दाव नहीं लेगा यानी कि 100 साल तक। लेकिन फाइनली जो हो रहा था हो गया, दुख हो रहा
हाँ हो रहा है, दुख बहुत हो रहा है। पाकिस्तानी हो, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो? यार पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, पाकिस्तान बाहर आ गया, फाइनल तक सही फाइनल तक नहीं गया, लेकिन इंडिया में तो पहले एक ही था ना, इंडिया में थोड़ा सा बारे होता है कि यार पाकिस्तान तो ले गया। देखिए हमें इंडिया से इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। ज़बरदस्त डिवाइस हो ना। अच्छा क्या कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, एक एक टीम फाइनल तक आती है, जहाँ पर हर एक टीम की ख्वाहिश होती है कि यार हम भी फाइनल पर जाएं, फाइनल पर जाकर बीट करें और वर्ल्ड कप लेके आएं, हमारी टीम फाइनल तक नहीं जा पाई, सेमीफाइनल से भी पहले बाहर होगी, क्या कहेंगे? नहीं अपनी टीम की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया अभी तक 10 के 10 मैच जीत के फाइनल तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। यार क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में, कितनी एफर्ट की इंडिया ने फाइनल तक आने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में आके इंडिया मैच हार गया है ऑस्ट्रेलिया से, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए पिछले 10 के 10 मैच इंडिया जीता है और बहुत अच्छे तरीके से जीता है, बैटिंग बॉलिंग में हर चीज़ में अच्छा जीता है। देखिए कोई ना कोई अगर मैच हार जाता है उसमें कोई रीज़न नहीं, अगर आगे देखें सभी फाइनल के अंदर वो सॉरी जीता और फाइनल के अंदर हार गए, इससे में हमें दुख तो है, हमारी कोशिश यही थी, हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि जो वर्ल्ड कप है वो एशिया के अंदर ही रहे, एशिया कप से एशिया से बाहर ना जाए, लेकिन बदकिस्मती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया ले गया। तो ये 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ले गया था इंडिया के साथ, आज फिर ले गया इंडिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, जीतो जीत हार ये मुकदरों की बात होती है, पाकिस्तान भी इससे पहले हो गया लेकिन कब का बाहर हो गया, इंडिया फिर भी फाइनल में जाकर कोई भी मैच ना हार के फाइनल में पहुंचा है। तो इंडिया ने बहुत अच्छी एफर्ट की, बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी, अगर कोई हार गया तो कोई मसला नहीं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, घर के अंदर ही वर्ल्ड कप होता और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया का पहले भी इतना अच्छा टारगेट नहीं था, अगर रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेटेड तो इंडिया हमेशा से हारता रहा ऑस्ट्रेलिया से, क्या कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर ज़्यादा या ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इसलिए इंडिया हार जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का पिछला मैच देख लें, इंडिया जीता कि नहीं जीता वर्ल्ड कप के अंदर।